मैं प्रिया आपके साथ। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि उनके देश के लिए इमरान खान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी ज्यादा बड़ा खतरा है। पाकिस्तानी टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए आसिफ ने कहा, आप अपने विदेशी दुश्मन को जानते हैं। पाकिस्तान में लोग आज भी उस दुश्मन को पहचान नहीं पा रहे हैं जो यहाँ पैदा हुआ है। वो भारत से भी ज्यादा बड़ा खतरा है। इमरान खान हमारे बीच मौजूद है और वो पाकिस्तान के लिए पीएम नरेंद्र मोदी से ज्यादा खतरनाक है, लेकिन लोगों को ये नजर नहीं आ रहा है। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने न्यूज एंकर से पूछा कि कौन ज्यादा खतरनाक है, वो जो हमारे बीच में है या वो जो तुम्हारे सामने सीमा पार खड़ा है। उन्होंने कहा कि इमरान की गिरफ्तारी के बाद 9 मई को देश में जो दंगे हुए वो विद्रोह था और इमरान खान सबसे बड़े विद्रोही हैं, जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है और 9 मई इसका सबसे बड़ा सबूत है। दूसरी तरफ इमरान खान को एंटी टेररिज्म मामले में 13 जून तक जमानत मिल गई है। पीटीआई चीफ इमरान खान को 9 मई को अलकादिर ट्रस्ट मामले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। इमरान खान की गिरफ्तारी पाक रेंजर्स की टीम ने की थी। इसके बाद उनके समर्थकों ने पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किया था। पाकिस्तान की आर्मी ने इस देश को देश के इतिहास का काला दिन बताया था। प्रदर्शन के दौरान पीटीआई कार्यकर्ताओं ने मिलिट्री के 20 ठिकानों सहित आर्मी हेडक्वार्टर और कई टॉप कमांडरों के घर पर हमला किया था और नेशनल हाईवे ब्लॉक कर दिए थे। इसके अलावा पुलिस की 100 से ज्यादा गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया था। इस हिंसा में करीब 10 लोगों की मौत हुई थी। हालांकि इमरान खान ने दावा किया था कि उनकी गिरफ्तारी के दौरान हुई हिंसा से 25 पीटीआई वर्कर्स की जान चली गई। साथ ही पुलिस ने देश भर में करीब 10,000 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।